गाने तो आपको याद ही होंगे, तो आपको क्या लगता है ये गाने किसने गाए होंगे? जाहिर है आप में से बहुत से लोग ये समझते होंगे कि इन गानों को लता मंगेशकर या आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाओं ने आवाज़ दी होगी। यही नहीं, ऐसे और भी कई गाने हैं जिन्हें सुनकर सुनने वालों को धोखा हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जिन गानों को आप आशा भोसले और लता मंगेशकर जी द्वारा गाए हुए सोच रहे थे, दरअसल उन गानों को गाया है पामेला चोपड़ा ने। पामेला चोपड़ा ने अपनी मौजूदगी से सिनेमा जगत को बहुत प्रभावित किया, लेकिन दुनिया इन्हें इनके नाम से कम और रोमांटिक फिल्मों के बादशाह माने जाने वाले दिग्गज फिल्म निर्देशक और निर्माता यश चोपड़ा की पत्नी के रूप में ज़्यादा जानते हैं। आपको बता दें कि पामेला चोपड़ा रानी मुखर्जी की सास भी थी। 20 अप्रैल 2023 को पामेला चोपड़ा का निधन हो गया। वो काफ़ी समय से निमोनिया से पीड़ित थे। उनको मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दुख की इस घड़ी में फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे आदित्य चोपड़ा के घर पहुंचे। आज हम इस वीडियो में पामेला चोपड़ा के जीवन, उनके गानों और उनकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। पामेला चोपड़ा को ऐसे तो यश चोपड़ा की पत्नी के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो प्लेबैक सिंगर, फिल्म लेखक और फिल्म निर्माता भी थे। पामेला चोपड़ा मशहूर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा की माँ और रानी मुखर्जी की सास थे। पामेला चोपड़ा का जन्म 1938 को एक सैनिक परिवार में हुआ था। उनके पिता इंडियन आर्मी में अफसर थे। 1970 में उनकी शादी यश चोपड़ा से हुई। हालांकि ये शादी एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों की जान पहचान पहले से थी। पामेला ने फिल्म चांदनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घर आजा परदेसी, फिल्म आईना, साथ ही फिल्म बाजार के मशहूर गानों में भी उनकी आवाज का जादू है। इसके अलावा नूरी, सिलसिले, त्रिशूल, लम्हे जैसी फिल्मों के लिए भी उन्होंने गाने गाए। पामेला चोपड़ा कैसी यश चोपड़ा की जिंदगी में आई, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। इन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों ने पहले एक दूसरे को शादी के लिए रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में दोनों ने शादी कर ली। पामेला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी बहनों के साथ क्रिकेट मैच देखने गई थी। वहां पर यश चोपड़ा भी मौजूद थे। पामेला की बहनें क्रिकेट मैच देखकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिस वजह से यश चोपड़ा ने पीछे मुड़कर देखा और इस तरह से पहली बार यश चोपड़ा और पामेला ने एक दूसरे को देखा था। धीरे धीरे दोनों में जान पहचान बढ़ी और जब दोनों के परिवार ने शादी की बात की तो दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने शादी कर ली। साल 2012 में डेंगू के कारण यश चोपड़ा का निधन हो गया, जिसके बाद पामेला ने अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई और यश राज फिल्म्स को आगे बढ़ाया और आज ये दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। तो आपको इस महान गायिका के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।